गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सुबह हमने लेक्चर नंबर 32 किया था, अब हम लेक्चर नंबर 33 करेंगे। उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम कार्तीय निर्देशांक को ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तित करके डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे और समाकलन का क्रम चेंज करने वाला पार्ट भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं, निम्न समाकलन को ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। डबल इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ए अंडर रूट ऑफ 1 - x² - y² / 1 + x² + y² इंटू dx/dy, जहाँ एरिया ए है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तथा x² + y² इज लेस देन इक्वल टू 0 से परिबद्ध है। समाकलन का क्षेत्र जो है वह है अक्ष 0 है 0 से बड़ा, वाई की वैल्यू 0 है 0 से बड़ी और x² + y² एक है 1 से छोटा है। ये क्षेत्र इकाई त्रिज्या के वृत्त के प्रथम चतुर्थांश का भाग है, चित्रानुसार जिसको दिखाया गया है। इसमें ध्रुवीय निर्देशांक में परिवर्तित करने हेतु अक्ष की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, x² + y² की जगह आर स्क्वायर और dx/dy की जगह और d θ/dr लेने पर है। आर की सीमा है वो 0 से लेकर r = a तक होगी और थीटा की सीमा है वो 0 से लेकर इस चतुर्थांश में π/2 तक होगी। अब डबल इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ए अंडर रूट ऑफ 1 - x² + y² / 1 + x² + y² इंटू dx/dy बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से π/2, समाकलन 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 - r² / 1 + r² इंटू r d θ d r बराबर समाकलन 0 से π/2 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 - r² / 1 + r² इंटू r d r ब्रैकेट क्लोज d θ बराबर समाकलन 0 से π/2 ब्रैकेट समाकलन 0 से π 1 1 - r² इंटू r d r अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + r² × 1 - r² ब्रैकेट क्लोज d θ बराबर समाकलन 0 से π/2 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 r d r - r³ d r अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - r³ इंटू d θ समाकलन अलग अलग करने पर समाकलन 0 से π/2 ब्रैकेट समाकलन 0 से 1 r d r अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - r² / 2 माइनस समाकलन 0 से 1 r³ d r अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - r³ इंटू d θ। इसके प्रथम समाकलन में r² = t रखने पर r dr = dt/2, तो समाकलन 0 से 1 r dr / √1 - r² / 1/2 समाकलन 0 से 1 dt / √1 - t² बन जाएगा। और द्वितीय समाकलन में 1 - r³ को u मानने पर -4 r³ dr / du हो जाएगा और u की लिमिट है वो 1 से 0 तक हो जाएगी। तब ये समाकलन पूरा कन्वर्ट हो जाएगा बराबर 0 से π/2 ब्रैकेट 1/2 समाकलन 0 से 1 dt / √1 - t² माइनस समाकलन 1 से 0 √u - du/4 d θ बराबर समाकलन 0 से π/2 ब्रैकेट 1/2 साइन इनवर्स t लिमिट 0 to 1 + 1/4 इसका समाकलन 2√u लिमिट 1 से 0 d θ बराबर समाकलन 0 से π/2 ब्रैकेट 1/2 × π/2 -1/2 ब्रैकेट क्लोज d θ बराबर π - 2/4 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/2 d θ और d θ का समाकलन थीटा लिमिट 0 से π/2 बराबर हो जाएगा π - 2/4 इंटू π/2 अर्थात डबल इंटीग्रेशन अलोंग द एरिया ये अंडर रूट ऑफ 1 - x² - y² / 1 + x² + y² इंटू dx/dy बराबर π/4 - 1/2 इंटू π/2 बराबर π² / 8 - π/4। अब है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का क्रम परिवर्तित किस प्रकार से किया जाता है, ये जो एक क्वेश्चन है इससे समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। निम्न समाकलन का क्रम परिवर्तित कीजिए,
सवा गलत जीरो से ए फिर टपल दूसरा सवा गलत जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई डी एक्स डी वाई। यहाँ दिए गए समाकलन में देखने पर y की सीमा है y बराबर जीरो से y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर स्क्वायर करने पर x की सीमा है x बराबर जीरो से x बराबर ए तक है। इसका आरेख है वो चित्र नंबर एक है जिसमें पट्टिका वाई एक्स के समांतर है जो पहले वाई की सीमा बताती है। अब चित्र नंबर दो में ये पट्टी का एक्स एक्स के समांतर लेने पर ये पहले एक्स की सीमा एक्स बराबर जीरो से एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बताती है क्योंकि पट्टिका की लंबाई है वो एक्स बराबर जीरो से स्टार्ट होकर लास्ट में सर्कल की बाउंड्री पर टच हो रही है। सर्कल की इक्वेशन से एक्स की वैल्यू आएगी। पट्टिका की चौड़ाई की सीमा है वाई की सीमा कहलाएगी और ये जीरो से लेकर ए तक जाती है। अब दिए गए समाकलन में dx dy के स्थान पर dy dx रख कर इसी के अनुसार सीमा लेने पर समाकलन का परिवर्तित रूप निम्न प्रकार से होगा। समाकलन 0 से a समाकलन 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू डी एक्स डी वाई बराबर समाकलन 0 से a समाकलन 0 से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई डीवाई डी एक्स। क्योंकि dx dy को जब dy dx बनाएंगे तो पहले x की सीमा लिखनी पड़ेगी अंदर वाले इंटीग्रेशन में और x की सीमा 0 से लेकर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। बाहर वाले इंटीग्रेशन में y की सीमा रखनी पड़ेगी जो कि 0 से a तक प्राप्त है। इस प्रकार से उठ